वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं हमारे मलाईदार कोफ्ते। हम इसको मलाईदार इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रिच इन क्रीम होते हैं और इसकी जो बॉल्स बनाते हैं हम कोफ्ते जिससे बनाते हैं वो हम पनीर और आलू से बनाते हैं, तो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं जो मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। तो चलिए फिर हमारी आज की रेसिपी मलाई कोफ्ते बनाना शुरू करते हैं। अब उसमें जाएगा थोड़ा सा पनीर, ये कम से कम होगा 200 ग्राम के करीब। हमने मेक श्योर करना है कि हमारे जो आलू और जो पनीर है उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसमें जाएगा थोड़ी सी कटी हुई ग्रीन चिली, और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, और 1 टेबलस्पून नमक, थोड़ा सा नमक किया, और ये रेड चिली पाउडर। ये हम ज्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमने कटी हुई इसमें ग्रीन चिलीज भी डाली है, और थोड़ा सा गरम मसाला। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमने मेक श्योर करना है कि इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल ड्राई होना चाहिए हमारा पनीर और आलू। और अब हम इसमें ऐड करेंगे बेसन, वो इसको बाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं। आप चाहे तो इसमें ऑल पर्पज फ्लावर, चाहे मैदा, जो ऑल पर्पज फ्लावर है या मैदा है वो यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बेसन यूज कर रही हूँ क्योंकि हम बेसन सिर्फ इसको बाइंड करने के लिए यूज कर रहे हैं। मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड करूंगी। ऐसे एक एक चम्मच आपको डालते जाना है और इसको ऐसे एक साथ इकट्ठा करना है। और ये पनीर मेरा घर का बनाया हुआ पनीर था, उसकी रेसिपी भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे डाल दी है। बहुत ही आसान है उसको बनाना, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। बिल्कुल आटे जैसे डो जैसा बनता है वैसा ही डो तैयार हुआ है। तो चलिए अब इसकी बॉल्स बना लेते हैं। तो ये हमारा डो हो गया है रेडी, तो अब इसकी बॉल्स बना लेते हैं। आप अपने हिसाब से बना सकते हो, जैसे भी आपने बनानी है मोटी पतली, मैं ज्यादा बड़ी नहीं बना रही हूँ। आप चाहे तो इसे ओवल शेप भी दे सकते हो, मैं इसे गोल शेप में ही बना रही हूँ बिल्कुल ऐसे। तो चलिए इसे सारे ऐसे बना बना के रखते जाएंगे। तो ये हमारे बॉल्स सारे बनके रेडी हो गए हैं। तो चलिए अब इसको फ्राई कर लेते हैं। तेल को मैंने ऑलरेडी गर्म होने के लिए यहाँ पे रख दिया था, अब इसमें से निकल रहा है धुआं और ये हो गया अच्छे से गर्म। तो चलिए फिर मैं इनको तल लेती हूँ हमारे कोफ्ते। मैं इसको डीप बिल्कुल डीप डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, थोड़ा कम ही ऑयल दिया है मैंने, शैलो फ्राई जैसे।
वर्ल शैलो फ्राई से तो थोड़ा सा ज़्यादा है, पर आप चाहे तो इसे डीप फ्राई कर सकते हो, आपके ऊपर है, आप जैसे भी बनाना चाहते हैं। इसको हमने बहुत ज़्यादा हिलाना नहीं है, हल्का हल्का हिलाना है ताकि ये टूटे ना, क्योंकि ये जो बॉल्स है ना ये बहुत सॉफ्ट होती हैं, अगर आप इसे ज़्यादा हिलाओगे तो ये टूट भी सकती हैं। हमारी बॉल्स अब ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, हमारे कोफ्ते, बस अब थोड़ा सा और पकाऊंगी इसे, उसके बाद हम इसे निकाल लेते हैं। हमारे कोफ्ते अब हो गए हैं रेडी, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसे अच्छे से ड्रेन करके हमने निकालना है प्लेट में। हमारे मलाई कोफ्ता की ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है और उसमें मैंने डाला ये 2 चम्मच ऑयल, और ये मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच इसमें बटर, ये गया इसमें 2 चम्मच बटर, अब इसे हमें अच्छे से मेल्ट करना है, और मेल्ट होने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून जीरा और 2 बड़ी इलायची और 1 सूखी लाल मिर्च और ये रहा हमारा 1 बेली और थोड़ा सा सूखा धनिया और थोड़ी सी अजवाइन। ओके, तो अब ये भुन गया, अब इसमें हम ऐड करेंगे रफली चॉप्ड अनियंस, हमने जो अनियंस है वो ज्यादा नहीं भूनने हैं, हल्का सा जब इसमें ब्राउनिश कलर आने लग जाए तब हमने इसमें टमेटोज ऐड करने हैं, क्योंकि अगर ये ज़्यादा ब्राउन हो गए तो हमारी जो ग्रेवी बनेगी वो भी ब्राउन हो जाएगी। और ये मैंने लिया है थोड़ा सा अदरक जिससे मैंने रफली चॉप किया है, और ये मैंने लिए 5 लहसुन की कलियाँ। हम इसे रफली चॉप इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि एनीवे आफ्टर दैट हमने इसे ग्रेवी बनानी है, इसकी ग्राइंड करना है इसको। तो ये अब हल्का ब्राउन होने लग गया है, देख सकते हो आप। अब इस स्टेज में मैं इसमें टमेटोज ऐड कर दूंगी, टमेटोज भी हमारे रफली चॉप्ड हैं। उससे 3 मिनट हो चुके हैं हमारे टमेटोज डाले हुए, अब मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़े से केशू। मैं इसमें इसीलिए अब ऐड कर रही हूँ क्योंकि अगर हम इसे पहले ऐड कर देते हैं तो ये जल जाते हैं, केशू को भूनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसलिए मैंने अभी ऐड करें। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, बिल्कुल 1 कप के करीब पानी है, बस अब मैं इसे ढक के पकाऊंगी थोड़ी देर, उसके बाद हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। हमारे टमेटोज जो है वो हो गए हैं सॉफ्ट, तो चलिए अब हम गैस बंद कर देते हैं। गैस हो गया है बंद, अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा करते हैं, ठंडा करने के बाद हम इसकी ग्रेवी बनाते हैं। तो अब ये हमने सारा मसाला इसमें डाल दिया है, तो अब हम इसको बंद।
बंद करके इसकी बनाएंगे प्यूरी। तो ये मैंने लिया है यहाँ पे 2 चम्मच ऑयल। अब मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। और ये क्या हमारा 1/4 टेबल स्पून ऑफ हल्दी। इसे डालते ही हमने इसमें करनी है ऐड ग्रेवी। अब हम कर देंगे इसको अच्छे से मिक्स। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। ये हो गया 1, ये हो गया 2 टेबलस्पून नमक। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून हनी। ये मैंने डाल दिया 1 टेबलस्पून के करीब इसमें हनी। अगर आपके पास हनी अवेलेबल नहीं है तो आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी चीनी भी डाल सकते हो। तो चलिए अब इसे थोड़ी देर ढक के पका लेते हैं। ग्रेवी हमारी हो गई है रेडी। तो अब मैं इसमें थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ क्रीम। क्रीम से इसका बहुत अच्छा कलर आता है। अब क्रीम डालने के बाद हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे, ज्यादा नहीं, 3 से 4 मिनट। वाव, कितना अच्छा कलर आ गया इसमें। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून गरम मसाला। और ये हमने डाल दी इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी। इसे हमने कर लिया अच्छे से मिक्स। अब गैस को कर देते हैं बंद। तो हम ये जो ग्रेवी है हमारी, कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी है इसकी। अब हमारी जो ग्रेवी है हम इसे डाल देंगे कोफ्तों के ऊपर। कोफ्ते हम इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि कोफ्ते जो है हमारे बहुत सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि वो पनीर और आलू से बने हैं। तो इसलिए हम ग्रेवी हमारी कोफ्तों के ऊपर डालेंगे। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये हमने कोफ्ते हमारे निकाल लिए इसमें। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रेवी। मलाईदार हमारी ग्रेवी बनी है। हमने अपने कोफ्तों को अच्छे से कोट कर देना है ऐसे के। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चॉप करा हुआ धनिया। थोड़ी सी हम इसमें ऐड करेंगे हमारी क्रीम। वाव, कितना अच्छा बना है। और ग्रेवी की जो कंसिस्टेंसी है उसकी, जो वो इतनी अच्छी लग रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। तो प्लीज अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।